पहुंच चुका हूं यहां पर, जहां पे मेरी मुलाकात होने वाली है एक खास बंदे से। तो ये है वो दरवाज़ा। डिनर भी आ गया है। माशाल्लाह से बहुत कुछ मंगवा लिया भाई। हेलो दोस्तों, और भाई क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज मैं ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहा हूँ जो कि हर कोई जानता है उसको, मतलब यहाँ ही नहीं, हर जगह दुनिया में कहीं पर भी आप जाओ उनका नाम ही काफ़ी है। तो वो भी एक सरप्राइज़ है आपके लिए, तो यकीनन आप देखेंगे और इंजॉय करेंगे किस तरह से मैं उनसे मुलाकात करूँगा। और उनके यहाँ तो रुके हैं, वहाँ जाऊँगा, तो आज का दिन कैसा रहेगा तो देखिए। अभी मैं एक घंटे की ड्राइव है यहाँ से, मैं जकार्ता में, मैं जकार्ता से थोड़ा सा आगे हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता। यहाँ से मैं जाऊँगा अपनी बाइक पर क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा इस टाइम। और यहाँ पे जो है ट्रैफिक की सूरत हाल ऐसे ही, गाड़ियाँ अब जाएँगे तो आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। इससे बेहतर है कि आप बाइक पर ही जाएंगे, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाइक यूज़ करते हैं, तो मैं भी आज बाइक पर ही जाऊँगा अपनी। मेरी बाइक बाहर खड़ी है क्योंकि घर पे है, तो यहाँ बाइक नहीं है मेरी। ये आज क्योंकि उस दरवाज़ा जाना, तो मैंने 10 बजे से पहले वहाँ बाइक खड़ी कर दी थी, तो ताकि वो दरवाज़ा 10 बजे के बाद बंद हो जाता है पीछे, तो एक गली का दरवाज़ा और शॉप का। तो आज मैं जाऊँगा उनसे मिलूँगा और आप देखेगा कैसा रहेगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और फिर देखते हैं उनसे क्या बात होती है। हेलो दोस्तों, और मैं अभी पहुंच चुका हूं यहां पर, जहां पे मेरी मुलाकात होने वाली है एक ख़ास बंदे से। तो ये है वो दरवाज़ा जहां से वो शख्स बाहर आएगा या मुझे अंदर बुलाएगा। तो मैं अभी देखता हूं कि क्या होता है सूरत हाल। और भाई अभी बात हो गई है, वो भी आ रहे हैं नीचे, जिनसे आपको मुझे मिलवाना है। क्या सूरत हाल होती है और क्या रिएक्शन होता है मेरा, ख़ास तौर मेरा। और ज़ाहिर है बड़े लोग हैं, बड़े लोग थोड़ा टाइम लगाते हैं, बड़े लोग जो है ना थोड़ा सा जो है ना अपने आप थोड़ा टाइम लगाते हैं यार, हर जगह यही होता है, यहाँ पे भी है। तो उम्मीद है आपको बड़ा मज़ा आएगा देखकर और उससे मिलकर। तो देख कितना बड़ा गेट दरवाज़ा है, कितना बड़ा घर है। तो यहाँ पे उनकी कुछ दिनों की रिहाइश है, तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा रास्ते में आते आते, और 1 घंटे में पहुँचा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। और भाई जिसका इंतज़ार था वो आ गए हैं, ये हमारे टॉम क्रूज भाई, ये हमारे टॉम क्रूज, ये असली टॉम क्रूज है भाई। और भाई कैसे हाल है, कैसे आप? बहुत शुक्र है यार, इतना बड़ा घर ले लिया माशाल्लाह से आपने। काश ये मेरा घर होता। मैं बता रहा हूँ लोगों को भाई, ये भाई ने घर ले लिया, यहाँ पे अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। आप चलाएंगे, मैं चलाऊँ? तुम चलाओ, आप चलाओ यार, आप चलो।
मैप खोलता हूँ ना उधर, वैसे तो मेरे को जरा पता है सर। और भाई अभी हम जो एक सेलिब्रिटी के साथ यहाँ पे डिनर पे आ गए हैं, ये माहौल बहुत अच्छा है यहाँ पर, तो होपफुली इसको हम खूब इंजॉय करेंगे। तो ये सेलिब्रिटी शर्मा रहे हैं कि आप क्यों मुझे दिखाना चाह रहे हैं। नहीं भाई क्या, और बताएं क्या हाल है आपके, आपने एक सदी लगा दी यहाँ पर, छुपे रहे बड़ी मुश्किल से आपको हमने ढूंढा यहाँ पर, तो क्या क्या तासुरात है आपके यहाँ पर, इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं। बस मैं तो भी इंडोनेशिया बन गया हूँ ना, इंडोनेशियन बन गया यार, इनको भाई जबान आ गई है, सब कुछ आ गए, ऐसे मतलब बात करते हैं ऐसे कोई, जैसे मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूँ ऐसे इंडोनेशिया में बात करते हैं। तो भाई बिल्कुल पहचान में नहीं आते। और आजकल क्या मसरूफियात है? बस वही काम, सोना जागना, काम भागना। और क्या हो गया? अच्छा, तो और आगे क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? कोई फ्यूचर प्लान नहीं है भाई, कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, बस जी रहे, पता नहीं कि क्या हो रहा है, दिन गुजार रहे। सही है। और यहाँ पे आप किस तरह आए यहाँ पर, इंडोनेशिया किस तरह आए, मेरे को पता है किस तरह आया मैं। ये मैं आपको बाद में बताऊँगा किस तरह आया, ये आपको मैं इनके साथ एक मैं एक इंटरव्यू करने वाला पॉडकास्ट, ये तो ऐसे हम लोग डिनर पे आए तो भी नहीं बताऊँगा, जो पॉडकास्ट में फिर आपको डिटेल में बताऊँगा किस तरह से आए, और वो फिर वो एक क्या कह सकते हैं उसको, हम किस तरह होगा वो, एक सरप्राइज कहेंगे या क्या कहेंगे, अल्फाज मुझे नहीं मिल रहे, वो एक यूनिक इंटरव्यू होगा आपका, मिल के बैठते हैं ना, एक महीने बाद में आपका इंटरव्यू करेंगे, उस पर आपको सारी डिटेल बताऊंगी। अभी अभी कुछ हमने कुछ छुपा के रखा है आपके लिए सरप्राइज, वो एक महीने बाद, वो भाई डिनर भी आ गया है। माशाल्लाह तो बहुत कुछ मंगवा लिया भाई, आपने इतनी तकल्लुफ क्यों की भाई? क्या तकल्लुफ भाई, ये तो तेरा तकल्लुफ है। तकल्लुफ है, चले भाई अब खाते हुए हम वीडियो नहीं बनाते हमेशा की तरह, तो मैं आपको इस रेस्टोरेंट के बारे में बताऊंगा, ये फूड व्लॉग तो नहीं है लेकिन एक फ्रेंडली व्लॉग है। मैं अपने एक दोस्त टॉम क्रूज से मिल रहा हूँ, इनको हम टॉम क्रूज ही कहते थे, जितने हमारे फ्रेंड सर्कल है वो सब जानते होंगे भाई टॉम क्रूज। तो भाई अभी हम कुछ खाना खाते हैं, तो उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है? फिर भाई अभी जो है हमने खाना ना खा लिया है, और खाना हमने खा लिया है, तो भाई आपने खाया खाना, पेट भर के खाना खाया, बस कैसा लगा? ज़बरदस्त। अच्छा, अब देखिए जैसे पाकिस्तान में होती है ना थाली, एक बड़ी सी थाली में अलग अलग किस्म की वैरायटीज़ होती हैं, इसमें था मतलब बीफ था, चिकन था, मटन था, सब वैरायटी थी, बीच में राइस थे, राइस के साथ था, और कुछ नान भी थे, जैसे नान है, नान बचा हुआ है हमने खाया, ये था दही था, दही अच्छा है उनका, नान अलग से दिया था। तो भी यहाँ के मैनेजर साहब बोल के कहेंगे आप चाय पिए टर्किश टी, तो हमारी तरफ से देखते हैं वो टी कैसी होगी, तो वो चाय वैसी होनी चाहिए जो मैंने टर्की में पी थी, अगर वैसी होगी तो बड़े मज़े की थी वो चाय, अगर वही है तुर्की वाली मौसम में वो ग्रीन टी की तरह होती है। अच्छा, ग्रीन टी पीते पाकिस्तान में वैसी होती है, तो देखते हैं भाई कैसी होगी। वैसे खाना था टेस्टी था, मज़ा आया बहुत अच्छी से, मैं सोच रहा था मैं यहाँ पर आऊँ, मैंने देखी थी जगह, लेकिन अकेला आने का मज़ा नहीं है ना भाई, तो आज ये मिला
टॉम क्रूज भाई मिल गए तो आइटम आ गए। ओ भाई आ गई है टर्किश टी, तो देखेंगे कैसी है। ओह शुगर ये क्या यार, ये पानी क्या नहीं कॉफी चाय का लग रहा है। चलो चेक करते हैं भाई क्या है इसके अंदर। टर्किश टी है, हाँ कॉफी टाइप का ही लग रहा है। मतलब वो नहीं है ना, मीठा नहीं है ना। दो शुगर मैंने डाल दिए हैं लेकिन कड़वी है। उसके बाद आप पानी पियोगे तो वो हो जाएगा, टेस्ट चला जाएगा। कॉफी है और भाई अभी हमने यहाँ से खाना खा लिया और अब निकल रहे हैं बाहर की तरफ। ट्रैफिक बहुत हो गया भाई, तो भाई आज का खाना कैसा रहा यार? अच्छा था, जबरदस्त था। पाकिस्तानी टेस्ट तो नहीं है बस सही है, सही था। अच्छा मतलब अगर आपको पाकिस्तानी जैसा मतलब लग मतलब शक्ल से तो पाकिस्तानी जैसा लग रहा था लेकिन टेस्ट वो नहीं था। यही है ना, शक्ल से तो वही लग रहा था। मतलब ये जो ना थोड़ा सा ईरानी टाइप का खाना भी इसी तरह ही होता है, तो ईरानी या तुर्की जो लोग होते हैं ये ज़्यादा मिर्च विर्च वगैरह यूज़ भी नहीं करते। इनका जो होता है ज़्यादातर इनका चाइनीज़ तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा फ्राई वगैरह होता है लेकिन फिर भी मतलब पाकिस्तानी जैसा तो नहीं होता। सही बात है, लेकिन अच्छा था लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव था। वैसे पाकिस्तानी अगर यहाँ पे खाए ना इंडोनेशिया में तो वो भी एक्सपेंसिव ही होता है। चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तो होपफुली आपको मज़ा आया होगा। टॉम क्रूज भाई आप भी गुड बाय कर दें, फिर इंशाल्लाह फिर हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। ट्रैफिक बहुत है भाई।